मेरा नाम पुजारी कुमार, ग्राम जगदीशपुर, पोस्ट रेबरा, थाना खानपुर, जिला समस्तीपुर। मुझे लगभग 6 महीना पहले पता चला कि शुगर हो गया है। जब मैं डॉक्टर साहब के यहाँ गया और बताया कि मैं रात में 3-4 बार पेशाब करने के लिए जाता हूँ, उसके बाद कंठ सूखते रहता है पूरा रात, उसके बाद जब कोई घाव हो जाता था तो ठीक नहीं होता था, तो हम चेक करवाए तो खाली पेट में हमारा 300 कुछ था और खाना खाने के बाद 550 था। उसके बाद हम 1 महीना तक कोई दवाई नहीं खाए। 1 महीना दवाई नहीं खाने के बाद उसके बाद गुरीच का लत्ती जो घर में होता है नुस्खा वो सब अपनाने के बाद भी जब नहीं ठीक हुआ तो फिर 1 महीना के बाद चेक करवाए, जिसमें HbA1c जो होता है वो मेरा 13 पॉइंट कुछ था। तो जब हम जांच करवाने के लिए आए तो कोई हमको मिला मेरे गांव का ही एक आदमी जो बताया कि तो वहां जाके आप दिखवाइए, उससे पहले हम कहीं दवा उवा नहीं खाए, कहा कि अंग्रेज़ी दवा पर हमको भरोसा भी नहीं था और अंग्रेज़ी दवाई हम लेके और उसके बाद 1 दिन बाद वापस कर दिए दुकानदार को कि हम अंग्रेज़ी दवाई नहीं खाएंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब के यहाँ आए तो यहाँ से मेडिसिन खाए आयुर्वेदिक, जो कि हमको 5 दिन में ही नॉर्मल हो गया। दवा खाने के 5 दिन के अंदर में ही मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया और यूरिन में भी नील हो गया। उसके बाद डॉक्टर साहब हमको 3 महीना दवाई खाने का सलाह दिए और हमने 3 महीना कंटिन्यू दवाई खाया। मेरा नाम नवल किशोर कुशवाहा हुआ और मेरा एज 38 साल हुआ। मेरा घर बेतिया जिला के मझौलिया प्रखंड में हुआ। मैं शुगर टेस्ट जहाँ करा रहा था वहाँ से मालूम चला ये डॉक्टर साहब के बारे में, तो मोतिहारी जिला के रामगढ़वा प्रखंड में एक शिक्षक यहाँ इलाज चला रहे थे और वो ठीक हो गए थे, उनके माध्यम से मालूम चला तो यहाँ आए। उस समय मेरा शुगर लेवल लगभग 260 था और उस समय बहुत कमज़ोर भी था, तो यहाँ आके इलाज करना शुरू किया। इलाज लगभग 3 महीना दवा खाए। 3 महीना दवा खाने के बाद अभी हम दवा छोड़े हुए मेरा 2-2.5 महीना हो गया। कभी कभी मिठाई भी खा लेते हैं, खीर भी खा लेते हैं। अभी शुगर लेवल मेरा 105 है सब कुछ खाने के बाद।